के प्रयत्नों से खुले हैं। बैजनाथ में बस अड्डा, बस डिपो भी उनकी देन है, और भाजपा के नेता आए दिन बस स्टैंड का जन्म निकाल देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बस स्टैंड है कहाँ, कब बनेगा, तो किसने उसका टेंडर कब कहाँ हुआ, किसने उसका ठेका लिया, सार्वजनिक करें, लोगों को भ्रमित करने के लिए शिलान्यास जो है किए जा रहे हैं। दरअसल में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो विकास यहाँ हुआ है कांग्रेस कार्यकाल में, उन सब जो जो एक एक पत्थर लगा हुआ है, उन सब में स्वर्गीय पंडित संतराम जी का नाम अंकित है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम अंकित है, उनके प्रयत्नों ही बैजनाथ का जो है विकास हुआ है। और यहाँ दुख की बात यह है कि जो भाजपा के नेत्री और दूसरे नेता ये कह के टिप्पणी करके गए हैं कि स्वर्गीय पंडित संतराम जी ने कुछ नहीं किया, वो डंगर बछुओं का हाल पूछते से, ये बड़ी शर्मनाक बात है। जब आदमी को प्रलोक्स चला जाता है, प्रलोक सुधार जाता है, उसके बाद जो टिप्पणी करनी है, इससे घटिया राजनीति कोई नहीं होती है। तो मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि किसी का कुशल सेम पूछना क्या गुनाह है? आप तो किसी को पूछते नहीं, गाड़ियों से उतरते नहीं, किससे मिलते नहीं। आपने जो डेवलपमेंट यहाँ 4 सालों में की है वो बताओ। मैं तो सार्वजनिक आपको चैलेंज करता हूँ कि आओ मंच लगाओ मेरे सामने, बहस करो। आप विकास की बात करते हैं तो मैंने, मुझे भी 12 से 17 तक यहाँ काम करने का मौका मिला, तो मैंने चौमुखी विकास करवाया। चारों तरफ सड़कें बनी हुई थी, जो मेरे कार्यकाल में सड़कें बनी हैं, आज वहाँ जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और यहाँ जितनी संस्थाएं खुली हैं, शिक्षण संस्थाएं, उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल, मैंने 16 बिल्डिंगें बनाई हैं। आपने चार सालों में एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, एक बिल्डिंग नहीं बनाई। आप किस विकास की बात करते हैं?